लेकिन एक आत्मिक आनंद मिलता है। अगर आप किसी के घर में चूल्हा जला रहे हैं, आपकी वजह से किसी को रोजगार मिल रहा है, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। ये है वाराणसी के रहने वाले सत्य प्रकाश मालवीय, जो मसालों का बिजनेस करते हैं, और अपने इसी बिजनेस के तहत उन्होंने 10 से अधिक विधवा महिलाओं और दिव्यांगों को रोजगार दिया है। सत्य प्रकाश खुद आंशिक रूप से देख नहीं सकते और इसी वजह से वो बाकी दिव्यांगों की मुश्किलों को बेहतर समझ पाते हैं। वो जानते थे कि दिव्यांगों को रोजगार मिलना काफी मुश्किल होता है और इसी समस्या का हल निकालने के लिए उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू करके उन्हें रोजगार दिया। इसके पीछे मेरा एक ही औचित्य है सर, बेरोजगारी कम करना और दिव्यांगों को और विधवाओं को रोजगार के मुख्य धारा में जोड़ना है। सर, सबसे पहले मुझे लगता है कि जो विधवाएं और दिव्यांग होती हैं, लोग उनको सबसे ज़्यादा उपेक्षित दृष्टि से समझते हैं। दिव्यांगों के अंदर टैलेंट बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ उन्होंने करके दिखाया है, लेकिन उनको अवसर नहीं मिल पाता है। उनको अवसर देने के लिए, जो शिक्षा से मतलब नहीं पढ़ पाए हैं, जो वंचित हैं, तो उनको भाई छोटा मोटा जॉब दे के उनको रोजगार देने के लिए हम ये शुरू किए। और सत्य प्रकाश को ये बिजनेस शुरू किए अब 1 साल हो गया है और उन्हें इससे काफी अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है। जो भी मुनाफा होता है उसे सत्य प्रकाश दिव्यांगों और विधवा महिलाओं में बांट देते हैं। साथ ही सत्य प्रकाश बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से PhD भी कर रहे हैं और चाहते हैं कि दिव्यांग और विधवा महिलाएं अपने हुनर के दम पर स्वाभिमान के साथ इस समाज में आत्मनिर्भरता से जिए। समाज को दिखाएंगे कि ये देखिए विधवाएं हैं, ये दिव्यांग हैं, ये कुछ कर सकते हैं, और जिस प्रकार मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, तो आप सब भी उनके लिए थोड़ा प्रयास करिए और उन्हें मुख्य धारा में जोड़िए।